नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल पे आज आप देखेंगे पीजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन सेशन 2020-22 कॉमन फॉर ऑल। ये पेपर जो है AECC पेपर, ये कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए, ये कॉमन पेपर है। और एग्ज़ाम यानी सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो कंप्लीट होते हैं तो लास्ट में इस तरह के पेपर होते हैं। तो इस तरह से चार कोर कोर्स के पेपर हो चुके हैं और इस तरह से पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के ये लास्ट पेपर है। ये कॉमन फॉर ऑल यानी ये सभी के लिए है, सभी इसका एग्ज़ाम देंगे, AECC पेपर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन और आंसर लेकर मैं आई हूँ, आप इसे देखें। हाँ, यदि कोई बच्चे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के पेपर आपको यदि चाहिए तो आप सेल्फ मेड ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके AECC पेपर इस जितने भी है उसको निकाल लीजिए। उसके अब मैंने कोशिश किया है कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दूँ, तो वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड है। ये भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें है मैक्सिमम मार्क्स 50 यानी 50 मार्क्स का है, 3 आवर टाइमिंग है। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक हैं, दिए गए निर्देशानुसार सभी समूहों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, अब देखते हैं, जैसे कि पूरे क्वेश्चन को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, बी और सी। तो ग्रुप ए में जो है ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर मैं आपको कर दूंगी। और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है 10 नहीं पूछेगा, इसमें 7 ऑब्जेक्टिव यानी टोटल 40 मार्क्स का 7 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव के। पहला प्रश्न, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है, यानी कि यदि कहीं का वायु प्रदूषित हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है, तो आपको इनमें से किस को देख के आपको लगेगा कि हाँ रियल में पॉल्यूटेड हो चुका है, तो इसमें लाइकेन, क्योंकि जहाँ वायु प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन नहीं उपजेगा। लाइकेन है जैसे शैवाल जो होता है वो काई कलर का होता है, पानी जहाँ रहता वहाँ तो शैवाल तो आ जाएगा लेकिन लाइकेन वहाँ नहीं आएगा। यानी कि उस तरह के चट्टानों पे, ज़मीनों पे कलरफुल जो आते हैं छोटे छोटे पौधे, तो वो नहीं आएगा। तो यानी आप समझ जाइएगा कि यहाँ का वायु जो है प्रदूषित है। तो आंसर होगा डी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 2, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर, यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर होगा बी, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 3, गैर अवक्रमणीय प्रदूषकों में से क्या है। गैर अवक्रमणीय प्रदूषक, अवक्रमणीय प्रदूषक यानी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ये तो होगा DDT। DDT को अवक्रमणीय प्रदूषक के नाम जाना जाता है, DDT को। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन क्या है। तो आप सभी जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान का टैगलाइन क्या है। स्वच्छ भारत अभियान का टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाई यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है टांसले के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एसिड रेन इज चीफली कॉज्ड बाय, एसिड रेन क्यों होता है। जब आसमान से NO2 और SO2 गिरता है तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। तो आंसर होगा ए, अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च इन द ईयर, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। ओके, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है 14 में शुरू किया गया था, यह है 2 अक्टूबर गुरुवार, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। अब हम देखते हैं ग्रुप बी, ग्रुप बी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से आपको 3 का आंसर देना है, 1 5 मार्क्स का होगा। पहला
क्वेश्चन नंबर 2 में ये छोटे छोटे जो नोट्स लिखने हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ध्वनि प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, एक्सोटिक पौधे, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा, ये है। अब हम देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पर क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु प्रदूषण के कारणों और प्रभाव का वर्णन कीजिए, इसे नियंत्रित करने के उपाय सुझाइए। 4 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र पर लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छता एंड इट्स रिलेशन टू द मॉरल अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, स्वच्छता की अवधारणा और समाज के नैतिक उन्नयन के साथ इसके संबंध पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म सैनिटेशन एंड हाइजीन, गिव ए डिटेल अकाउंट, सैनिटेशन और हाइजीन से आप क्या समझते हैं, विस्तारपूर्वक लिखिए। ठीक है, तो ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन, वो रहा शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता दिया। तो ये है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2020-22 का लास्ट पेपर, AECC पेपर, जो कॉमन फॉर ऑल है, यानी कि और जो अदर सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूल, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही आपने देखा कि हमने पीजी फोर्थ सेमेस्टर 2020-22 सेशन का पूरा क्वेश्चन अपलोड कर दिया। बस आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।